भद्रं करणे लंबे समय से मांग रही है कि सागर पूरा घनी आबादी वाला शहर रहा है। ट्रैफिक की स्थिति इतनी खराब हो जाती है, कई बार एम्बुलेंस फंस जाता है, शादी ब्याह के आयोजनों में शहर में पहुंचने में दिक्कत होती है। हमारे सभी सम्माननीय जन है माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। हम सब ने एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत में शामिल हो और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जो स्वागत के लिए विभिन्न लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्य उनका रिमोट से कृपया शिलान्यास और लोकार्पण करने का जोरदार तालियां स्वागत के लिए बहुत बड़ी सौगात लगभग 3000 करोड़ के विधानसभा में मेरे साथी करवन लोगी जी, प्रदुमन लोगी जी, हीरा सिंह जी, रेखा चौधरी जी, अरुण चौबे जी, सुरेंद्र चौधरी जी, पुष्करिया जी, सभी या मेरे उपस्थित साथी का सबका तो नाम मैं नहीं ले सकता, बहुत सारे साथी या बहुत बहुत पुराने साथी यहाँ बैठे हैं, हमारे सभी उपस्थित समाज के सतगुरु, आदरणीय बुजुर्गों, भाई और बहनों, बहुत खुशी हुई सागर आकर। सागर प्रेम की नगरी है, संस्कृति की नगरी है, मूल्यों की नगरी है और इस नगरी में सागर आने में बहुत दिनों से इच्छा थी, पर मैंने ये तय किया था कि मैं उसी दिन आऊँगा जो ऐतिहासिक दिन हो। आज हम महाराज संत रविदास जयंती मना रहे हैं। संत रविदास जी का क्या संदेश था, जयंती को आप मना रहे हैं पर इनका क्या संदेश। 3000 करोड़ रुपए की सौगातें एक साथ देने का काम किया है, एक वर्ष में किसानों के लिए ऋण माफी योजना के माध्यम से 12 बिलियन कहा करके जिनको इससे फायदा हुआ है, ये आज मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। और संत श्री रविदास जी का पूजन और उसके तुरंत पश्चात संत जनों का अभिनंदन होगा। जो 300 रुपए में दिए बने आप नहीं कर पाते, तो 600 रुपए देने का काम किया है। आज उन्होंने इस बात की है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आदर दिखाने की सम्मान किया जा रहा है और मंच की भाई में भी जो साधु संत हमारे विराजमान है उनका भी पुष्प की प्रस्तुतियों से स्वागत में सर्वप्रथम हम निवेदन करना चाहेंगे
माननीय प्रभारी मंत्री माननीय श्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर से माननीय मुख्यमंत्री जी का श्रीमती अहवा ग्राम सीवरा और श्रीमती रूपानी अहवा ग्राम चित्र।